हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। अपने अपने बूथ जो होंगे, पार्टी के बूथ हैं, उनके बूथ के लोगों से भी संपर्क साधेंगे। बोहरा साहब, आज के दिन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली बार आप सांसद बने, अब दूसरी बार आप प्रत्याशी हैं। पूजा अर्चना के साथ शुरुआत की है। मैं जयपुर के सभी आम जन को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे गत बार भी 8,64,000 मत देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और मैंने भी जयपुर की जनता के बीच में रहकर और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उनकी जो भी समस्याएं रही, जयपुर के विकास की कोई बात रही, उसको पूरा करने में पूरी कोशिश की है। मैं आज भी जयपुर की जनता को, आम नागरिक को यही आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि देश की रक्षा के लिए, देश के वैभव के लिए, देश को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए, भयमुक्त सरकार देने के लिए, आतंकवाद मुक्त सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, हर दृष्टि से उन्होंने जो काम किया है, आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे जयपुर पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता को प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ताकि हमारा देश, भारतवर्ष आने वाले 2022 में जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्प के साथ एक नया भारत बनाने की जो कल्पना है, जिसमें हर सुविधा हर व्यक्ति के लिए मिले, ऐसा भारत बने और सबका साथ सबका विकास हो, मैं आज जयपुर की जनता को पुनः नमन करता हूँ। तो रामचरण बोहरा साहब है, अब अपने मतदान के लिए रवाना हो रहे हैं अपने परिवार के साथ। कुछ देर बाद मतदान स्थल पर पहुंचेंगे, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। हालांकि परिवार में छोटे बच्चे हैं, उनमें उत्साह इस बात को लेकर है कि आज मतदान का खास दिन है। कैमरा पर्सन जीतेश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।